Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is scheduling algorithm in operating system. So scheduling algorithm is a way of selecting a process from ready queue and put it on the CPU. Means, according to the degree of multiprogramming, we try to keep multiple processes in the ready queue. Or ready queue kahan pe hoti hai? RAM के अंदर, मतलब हम ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट क्यूज को यूज करते हैं प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने में, और रेडी क्यू में हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेसेस को लेके आते हैं. जब RAM, क्योंकि रेडी क्यू RAM के अंदर है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि RAM के अंदर जब मेरे पास बहुत सारे प्रोसेसेस आ गए, अब उन प्रोसेसेस का क्या करना है? ऑब्वियसली उन प्रोसेसेस को हमें एग्जीक्यूट करना है, और उन प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए मेरे को इन प्रोसेसेस में से कोई ना कोई एक या दो प्रोसेसेस या मल्टीपल प्रोसेसेस को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सीपीयू के ऊपर एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. अगर हम अपना यहां पे अज्यूम कर लें कि हम यूनि प्रोसेसर सिस्टम को यूज कर रहे हैं, यूनि प्रोसेसर सिस्टम का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ एक सीपीयू है, तो मैं बोल सकता हूं अगर एक सीपीयू है तो एक सीपीयू एक टाइम पे एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है. तो यानी हम इन सारे प्रोसेसेस में से किसी एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम किस क्राइटेरिया को यूज कर सकते हैं? दैट इज द शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. तो ये मेरे को हेल्प आउट करते हैं कि मैं किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाऊं, कितनी देर के लिए एग्जीक्यूट करवाऊं, और इन सारे कैटेगराइजेशन को हमने यहां पे मैंने पहले ही लिखा हुआ है. दीज आर द डिफरेंट शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स. ब्रॉडली ये दो टाइप के होते हैं, प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव. तो प्रीएम्प्टिव एंड नॉन प्रीएम्प्टिव टर्म्स जो है वो बहुत ज्यादा यूज होती हैं शेड्यूलिंग एल्गोरिथम में, और ये आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में भी आती हैं, और कई बार स्टूडेंट्स इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं आपको बिल्कुल सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं ये कि प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट क्या है, कि अगर मैं एक प्रोसेस को रेडी क्यू से निकालता हूं, रैम से निकाला और रनिंग क्यू में डाला. रनिंग क्यू का मतलब क्या है? सीपीयू. मतलब मैंने उसको सीपीयू को दे दिया और सीपीयू उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करेगा. अब हो सकता है कि वो प्रोसेस जो एग्जीक्यूट हो रहा है अभी रनिंग स्टेट में है, उस प्रोसेस को मैं ड्यूरिंग द रनिंग स्टेट निकाल के दोबारा रेडी क्यू में डाल सकता हूं. मतलब एक प्रोसेस जो चल रहा था प्रॉपरली, मैं उस प्रोसेस को बीच में रोक के मैं दोबारा किसी दूसरे प्रोसेस को सीपीयू को दे दूंगा, और पहले वाले प्रोसेस को दोबारा रेडी क्यू में डाल दूंगा, और वो फ्यूचर में दोबारा फिर एग्जीक्यूट होगा. अब ये क्यों यूज करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम धीरे धीरे आगे फर्दर डिस्कस करेंगे. लेकिन नॉन प्रीएम्प्टिव का मतलब क्या है, कि अगर एक प्रोसेस को हमने रेडी क्यू से निकाला, सीपीयू को दे दिया कि सीपीयू एग्जीक्यूट कर, तो वो प्रोसेस पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा. मतलब जितना उसका बर्स्ट टाइम है, हमने डिफरेंट टाइम्स के बारे में बात की थी इससे पहले वाली वीडियो में, तो आप उस वीडियो को चेक कर सकते हो. तो जितना भी उसका बर्स्ट टाइम है वो पूरा का पूरा टाइम कंप्लीट होगा, उसके बाद ही हम किसी दूसरे प्रोसेस को लेके आएंगे. मतलब अगर एक सिंपल से पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊं, तो रेडी क्यू से हम एक प्रोसेस को रनिंग स्टेट में डालते हैं, रनिंग मतलब सीपीयू को देते हैं. अब ये प्रोसेस जो है वो किस स्टेट में चला गया, लेट्स से P1 प्रोसेस था, P1 प्रोसेस अब रनिंग में आ गया. अब रनिंग से अगर मैं किसी प्रोसेस को दोबारा रेडी क्यू में डाल देता हूं, मतलब P1 को दोबारा रेडी क्यू में डाल दिया, दोबारा रेडी क्यू में डालने का रीजन क्या है? द फर्स्ट रीजन कैन बी टाइम क्वांटम. टाइम क्वांटम इज द फर्स्ट रीजन कि हम किसी चलते हुए प्रोसेस को बीच में रोक के और किसी दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने लग जाते हैं. इसका रीजन क्या है? टाइम क्वांटम. मतलब सीपीयू ने पहले ही डिसाइड किया हुआ है कि मैं एक प्रोसेस को सिर्फ 2 सेकंड के लिए एग्जीक्यूट करूंगा. तो अगर प्रोसेस आया और वो कह रहा है मेरे को 5 सेकंड चाहिए, तो मैं उसको सिर्फ 2 सेकंड के लिए चलाऊंगा फिलहाल, और फिर उसको रेडी क्यू में डाल दूंगा, फिर दूसरे प्रोसेस को लाऊंगा उसको भी 2 सेकंड के लिए, तीसरे को भी 2 सेकंड के लिए. इस तरीके से अगर मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊं, लेट्स से एक क्लास का सिनेरियो है, उस क्लास में 10 स्टूडेंट बैठे हैं और हर एक स्टूडेंट के पास 5 क्वेश्चंस हैं पूछने के लिए, और एज ए टीचर अगर मैं वहां पे हूं, तो मतलब मैं यहाँ पे एक प्रोसेसर की तरह काम कर रहा हूं, और वो 10 स्टूडेंट जो है वो क्या है, प्रोसेसेस हैं, और हर एक स्टूडेंट के पास क्या है, 5 क्वेश्चंस हैं मेरे से पूछने के लिए. अब
पहले स्टूडेंट के पास मैं गया, स्टूडेंट वन ने अगर मेरे को 5 के 5 क्वेश्चन पूछे, मतलब क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5, मैंने सारों का आंसर दिया। उसके बाद मैं स्टूडेंट टू के पास गया, फिर स्टूडेंट टू से मैंने 5 क्वेश्चन लिए, उनको सॉल्व किया, फिर मैं स्टूडेंट थ्री के पास गया। इस तरीके से अगर मैं मूव कर रहा हूं, दैट इज अ नॉन प्रीएम्प्टिव, मतलब मैं एक प्रोसेस को पूरा एग्जीक्यूट करूंगा, फिर मैं दूसरे प्रोसेस के पास जाऊंगा। लेकिन प्रीएम्प्टिव में क्या करते हैं, हो सकता है कि मैं पहले स्टूडेंट के पास गया, उसके क्वेश्चन वन को लिया, मैंने क्वेश्चन वन को सॉल्व किया, क्वेश्चन टू को सॉल्व किया, जैसे ही वो क्वेश्चन थ्री पूछने लगा मैंने प्रीएम्प्ट कर दिया, मतलब सीपीयू प्रीएम्प्ट हो गया वहां पे और वो स्टूडेंट टू के पास चला गया। स्टूडेंट टू का क्वेश्चन वन लिया, क्वेश्चन टू लिया, जैसे ही वो क्वेश्चन थ्री पूछने लगा मैं स्टूडेंट थ्री के पास प्रीएम्प्ट हो गया। मतलब प्रीएम्प्ट यहां पे कौन हो रहा है, सीपीयू, लेकिन उसकी वजह से प्रोसेस को हम प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। प्रोसेस को प्रीएम्प्ट करने का मतलब क्या है, हम उस प्रोसेस को दोबारा रेडी क्यू में डाल देंगे और फिर उसको फ्यूचर में दोबारा रनिंग क्यू में लेके आएंगे। तो इसका एक रीजन क्या है कि हम क्यों करते हैं टाइम क्वांटम, कि मतलब मैंने पहले डिसाइड किया कि मैं हर एक स्टूडेंट के 2 ही क्वेश्चन पूछूंगा एक बार में, इन अ वन गो। दोबारा जब उसकी टर्न आएगी, जब मैं 10 स्टूडेंट से 2-2 क्वेश्चन ले लिए, फिर उसकी दोबारा टर्न आएगी, फिर मैं क्वेश्चन 3 और 4 दोबारा लूंगा, फिर क्वेश्चन 3 और 4 सबसे लेने के बाद क्वेश्चन 5 मैं दोबारा लूंगा। इसका एक एडवांटेज यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब अगर मैं 5-5 क्वेश्चन ले रहा हूं एक स्टूडेंट के, तो हो सकता है स्टूडेंट नंबर 10 की जो टर्न है वो बहुत लेट आएगी, लेकिन अगर मैं सिर्फ 2-2 क्वेश्चन ले रहा हूं तो स्टूडेंट 10 जो लास्ट स्टूडेंट है उसकी भी टर्न जो है वो जल्दी आ जाएगी। तो हम रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हम इसको यूज करते हैं, दैट इज अ प्रीएम्प्टिव। और दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि प्रीएम्प्ट क्यों करते हैं, प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब क्या है कि मैंने एक स्टूडेंट के क्वेश्चन लेने स्टार्ट किए, क्वेश्चन 1 लिया, क्वेश्चन 2 को सॉल्व किया, इतने में हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस आ गया। हाई प्रायोरिटी का प्रोसेस मतलब लेट से कि टॉपर आ गया उस क्लास का, और वो बीच में अगर आके मेरे को बोल रहा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन सॉल्व करो, तो हो सकता है वहां पे मैं उसको प्रायोरिटी दे दूं। उसको प्रायोरिटी अगर मैंने दे दी तो स्टूडेंट 1 को बोलूंगा वेट कर, मैं पहले दूसरे प्रोसेस का क्वेश्चन ले रहा हूं। तो इसकी वजह से, प्रायोरिटी की वजह से भी हम क्या करते हैं, कई बार एक रनिंग प्रोसेस को दोबारा रेडी क्यू में डाल देते हैं। और एक और रीजन क्या हो सकता है, मे बी अगर किसी प्रोसेस का टाइम, मतलब उसको कम टाइम के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब एक स्टूडेंट आके कह रहा है कि सर मेरे को 1 क्वेश्चन पूछना है, एक स्टूडेंट कह रहा है मेरे को 10 क्वेश्चन पूछने हैं। 10 क्वेश्चन जिसने पूछने हैं, अगर वो पहले आया या दोनों एक ही टाइम पे आए, अगर दोनों एक ही टाइम पे आएंगे, हो सकता है मैं वहां पे थोड़ा सा बायस हो गया, मैंने बोला कि यार जिसके पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन है पहले वो पूछ लो, ताकि मैं उसको क्वेश्चन को लेके उसको सॉल्व करके उसको फ्री कर दूं, क्योंकि क्वेश्चन 10 वाले जिसके पास क्वेश्चन 10 है उसको तो थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो हो सकता है मैं शॉर्टेस्ट वाले को पहले उठा लूं। और ये मतलब डिफरेंट क्राइटेरियाज है हम यूज करते हैं ये एक्चुअली में प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करवाने में। तो यहां पे प्रीएम्प्टिव का कॉन्सेप्ट तो ये है। नॉन प्रीएम्प्टिव मतलब अगर रेडी क्यू से एक प्रोसेस को निकाला, रनिंग क्यू में उसको डाला, रनिंग क्यू में अगर वो प्रोसेस आ गया तो वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होगा, वो वापस रेडी क्यू में नहीं जाएगा, वो उसके बाद सीधा टर्मिनेट होगा। सो दैट इज व्हाट द नॉन प्रीएम्प्टिव। और प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग में मेरे पास एल्गोरिथम्स आते हैं, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, या इसको कई बार शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट भी बोलते हैं, लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, राउंड रॉबिन, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम्स। दीज टू एल्गोरिथम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर मैं बात करूं लास्ट एनालिसिस की, लास्ट फ्यू ईयर्स के एनालिसिस की, तो हर एक साल आपको गेट के क्वेश्चन में, यूजीसी नेट में, इवन आपके कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी के एंड टर्म एग्जाम्स में भी या मिड टर्म एग्जाम्स में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे। और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो शॉर्टेस्ट रिमेनिंग या राउंड रॉबिन से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन लॉन्गेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, एंड प्रायोरिटी भी यहाँ पे यूज़ होती है। प्रायोरिटी वाला जो एल्गोरिदम है वो प्रीएम्प्टिव में भी आ सकता है और ये नॉन प्रीएम्प्टिव भी हो सकता है, ऑल्दो ज्यादातर इसको हम प्रायोरिटी को
प्रीएम्प्टिव में ही रखते हैं, बट यस इट कैन बी अ पार्ट ऑफ नॉन प्रीएम्प्टिव ऑल्सो। और इसके अलावा नॉन प्रीएम्प्टिव में आते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट, हाईएस्ट रिस्पॉन्स रेशियो नेक्स्ट। इसमें हम रिस्पॉन्स रेशियो एक फॉर्मूले से रिस्पॉन्स रेशियो निकालते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिसाइड करते हैं कि किस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाना है। एंड मल्टी लेवल क्यू, मल्टी लेवल क्यू एंड मल्टी लेवल फीडबैक क्यू। सो दीज एल्गोरिदम्स आर यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग अ प्रोसेस फ्रॉम द रेडी क्यू एंड हाउ वी कैन पुट इट ऑन द सीपीयू। सो ये एल्गोरिदम्स मेरे को हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इन एल्गोरिदम्स को एक एक करके इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। थैंक यू।